गौरवी कोई मुखो तुम्हारा
कृष्णदेव भवन्तं वन्दे पद पंकज पद
समाधिशुद्धिरपि पश्यति न तवन खगमरीचे भरतपि समाधिशुद्धिरपि पश्यति न तवन खगमरीचे शमकवाच्युत तदपि पादभूतवीचे रमेशाविनिशाप्तवाच्युत तदपि पादभूतवीचे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे मनमानसमधुकरं वरसय निज पद पङ्कज जगति माधव नचनि मम तिलमासे भक्तिरुदञ्चति जगति माधव नचनि मम तिलमासे परमेश्वर तदपि तवाधिक दुर्घट घटन दुभासे परमेश्वर तदपि तवाधिक कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे अयमभिदौलतया दशनाथन कलितादभुतरसधारण तनेन्द्रने बिन्दन मधुरि मक्षार निवसतु निमिहामृतनेन्द्रने बिन्दन मधुरि मक्षार कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे मनमानसमधुकर मर्कय निज पद पङ्कज मकरन्दे ठाकुर जी ने जसोमती नंदन कीर्तन में कृष्ण की प्राय समस्त लीलाओं का वर्णन किया है। एक ही कीर्तन जसोमती नंदन becomes very happy and tells, oh,
यू कैन आस्क एनी बेनिडिक्शन यू लाइक। तुम कोई भी, आज मैं बहुत प्रसन्न हो गया इतना तुम लोगों ने स्तोत्र किया तो मैं प्रसन्न हूं। तुम कुछ मांग लो, जो कुछ मांगना है दिल खोल करके मांग लो, आज दे दो तो आज कृष्ण दे सकते हैं। इसलिए ये सब प्रार्थना करके अंत में ये मांगना चाहिए क्या, श्याम सुंदर शिखंड शेखर मेरा समुरली मनोहर राधिका रसिका कृपा निधे स्वचरण प्राणनाथ वृषभानुनंदिनी श्रीमुखाब्ज रसलोल सनतन राधिका पदतले संविधाय दशने तीर्णं दिवो प्रार्थये गजेन्द्रमनन्दनं अस्तु मोहन कवापि बल्लभा जन्म जन्मनी मदेश्वरी। हे श्याम सुंदर, हे शिखंड शेखर, मधुर मुधर मंद मंद मुस्कान के साथ में मधुर मुरली बजाते हुए राधिका के रसिक यदि हमको वरदान देना चाहते हैं तो यही कीजिए, कृपा निधे आप करुणा के सागर हैं, यही दीजिए। स्वप्रिया चरण किंग कर आप अपनी जो प्रिया राधिका जी है उसकी दासी हमें बना दी, किंकरी बना दी। इफ यू आर सो मच हैप्पी God, please, then what? Oh, Shikhanda Shekhar, Smirahar, Murali, Manohar, please, keep me only one. I want Radha Dasya, your Priya Dasya I want, nothing else. Krishna is very cheater, he may cheat you. He will tell you, oh, why you want to, oh, you should be like others, but I want to be Prananath Vishvanandini. Vishvanandini ke Prananath aap hai, unke mukh ko ke ras ko lene ke liye bhramar ke samaan hai, sasva. राधिका पद तले, राधिका के चरणों के तल में स्थिति स्थिति मेरी स्थिति वही कीजिए। हे रसिकेंद्र शेखर, यदि आप प्रसन्न है तो मैं मुझे वही राधिका की दासी उनके चरणों की नित्य सेवा रूप मंजरी की भांति हमें प्रदान की। संविधाय दशने पीड़न विभो प्रार्थये हम ब्रजन महेंद्र नंदन। हे ब्रजेंद्र, ब्रज महेंद्र नंद, उनके नंदन विभो व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ देने में समर्थ है। मैं अपने दांतों तले तीर्ण लगाकर और आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे मोहन तवा की बल्लभा, आपकी बल्लभा श्रीमती राधिका की जन्म जन्म की दासी में बन जाऊं। If you are pleased, then only I want that you should make me the dasi of Radhika always, janma janmani for all. यही प्रार्थना करनी चाहिए आज के लिए। आज जन्माष्टमी है, कृष्ण ने असुरों को मारने के लिए जन्म नहीं लिया, ये बहुत लीला है। वो तो भृगु मात्र से ही सब कुछ को कर सकते हैं। कृष्ण है नॉट अपियर्ड, कृष्ण ने जन्म इसके लिए नहीं लिया, रसों का आस्वादन करने के लिए।
और विशेषकर गोपियों के भावों को आस्वादन कर इस जगत में रासलीला इत्यादि वात्सल्य लीलाएं शक्कर रस की लीलाओं को जगत में करके आस्वादन करके ये शिक्षा दी कि भविष्य में आने वाले लोग भी इसका श्रवण करेंगे। उस समय कैसे लोग है ही हैं, उसके बाद में जो लोग जन्म ग्रहण करेंगे वो लोग इन सब लीलाओं को श्रवण करेंगे। तत्परो भवे, और उसी भावना के अनुसार में भजन करके कृष्ण को राधिका जी को उसी प्रकार भावों को प्राप्त करें, ये मूल उद्देश्य था। वैसे कारण तो बहुत से हैं किंतु वो कारण मुख्य नहीं, अंतरोपम वारना धर्म की संस्थापना ये सब मूल कारण। मूल कारण है अपनी ब्रज की लीलाओं को, अपराकृत ब्रज की लीलाओं को प्रकट करके और लोगों को पहले तो आस्वादन करना और उसी के माध्यम से सब जितनी लीलाएं जगत के लोग सुने और उसके बाद में वो जगत को सुनाते रहे अनंत काल तक, यही भगवान को प्राप्ति करने का मूल कारण है और नहीं। अभी हम लोग भागवत दशम स्कंध आरंभ करेंगे, उसमें एक लिस्ट बना देना महाराज, तीर्थ महाराज, प्रसानंद जी, पंत महाराज जी और सब लोग सारा दिन पाठ करेंगे और दोपहर में उनको दे देना प्रेम बल्लभ को। इस तरह से कंटिन्यूअस 5-6 बजे तक चले, 6 बजे के बाद में 6:30-7 बजे में आरती होगी और उसके बाद में 8 बजे फिर वहां पर बैठेंगे और सारी व्यवस्था रहेगी, कलाकार लोग आएंगे और कृष्ण के लीला के संबंध में विभिन्न प्रकार के कीर्तन करेंगे और आधी रात में 12 बजे उनका जन्म महोत्सव अभिषेक होगा, दर्शन करके चरणामृत लेकर के। संक्षेप में मैंने कहा, अभी तुम लोग भागवत आरंभ करो, ऐसी महामंत्र को जानते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और कल प्रोग्राम टुमारो प्रोग्राम इन द मॉर्निंग यू शुड डू करेक्ट स्वामी जी फोटो एंड एवरीथिंग गुरु महाराज हियर एंड वी विल गिव पुष्पांजलि, आई विल डू आरती एंड देन something you should speak about. What are no tarsana? No tarsana? हेलो महामंत्र कर लो। कृष्णा 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 हरे हरे, सब ठीक है ना? हमारी बाहर जोर लगी सी रात को।
हेलो।